एक लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया, शायद आप डाउट दूर करें, कि मोहम्मद साहब जो हैं वो सब जगह सभी लोग बोलते हैं कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और उन्होंने इतनी इतनी बढ़िया कुरान लिख के हमको दी, तो हम ये लॉजिकली तो तौर पे ये क्यों ना माने कि निश्चित रूप से मोहम्मद साहब जो थे वो पढ़ना लिखना जरूर जानते थे, कि बिना पढ़े लिखे आदमी थे तो कुरान कैसे, माने उन्होंने रीचेक किया, और जो पढ़े लिखे थे उनका क्या, माने उसका महजर हुआ, क्योंकि कुछ कुरान की आयतें ऐसी हैं कि जो शायद मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी हैं, वो जो उनके लिखने वाले थे वो उन्होंने अपने मन से बना के डाली हैं, ठीक, मेरा ऐसा डाउट। जी अनलेटर्ड और अनएजुकेटेड दोनों में बड़ा फर्क है। ठीक है, जी अनलेटर्ड का मतलब अनएजुकेटेड नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाइना जाऊं तो चाइना के एतबार से या चाइनीज लैंग्वेज के एतबार से मैं अनलेटर्ड हूं, जो कुछ वहां लिखा हुआ है मुझे उसका उसका 0.1% भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, यानी एक मात्रा भी नहीं आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अनएजुकेटेड हूं। ठीक है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों चीजों में। ओके रॉनी साहब, आपका डिवाइस कनेक्ट नहीं है भाई, डिवाइस कनेक्ट कर लें। अच्छा, वकील साहब हमारे साथ हैं। जी वकील साहब, हाँ जी मुफ्ती जी नमस्कार। बिल्कुल आदाब, क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक? बस सब बढ़िया जी और सुनाइए। बिल्कुल ठीक, आप सुनाए कैसी? एक मिनट के लिए हो जाए। जी हाँ बोलिए, जी हाँ जी हाँ जी आप यूपी में वकालत करते हैं भाई, वकील साहब? नहीं एमपी में, एमपी एमपी में करते हैं। अच्छा, ठीक है, चलें जी। जी आपसे फरमाइए। आपसे आपसे एक बार बात हो चुकी है। हाँ हाँ हुई तो है, मुझे आज कुछ आ तो रहा है। जी जी हाँ जी आपने एक वो हमारा क्लिप बना के भी डाला था, 2-3 महीने पहले की बात है। अच्छा, नहीं वो उस ये वो क्लिप तो सबका बनता है, जो हाँ यहां नहीं तक बस आ गया काम उसको फिर क्लिप के नहीं, लिए हम कबूल कर लेते हैं। नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूँ ताकि याद आ जाए कि आपकी हमारी बात हो चुकी है, तो अच्छा ठीक 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 काफी ठीक अच्छी बात हुई थी। बहुत अच्छा जी। आपको सुनता रहता हूँ और बात करता एक रहता हूँ कुछ। एक एक हाँ साहब ने तो ये भी लिख दिया कि आप जबलपुर के हैं, जबलपुर की कोर्ट में। हाँ, जी हाँ जी तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कमेंट पढ़ रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ सर, लोग याद रखते हैं, मैं बहुत सी मरतबा याद नहीं रख पाता हूँ, 3-4 मरतबा मुलाकात हो जाए तो फिर याद रहता है। जी चलें आगे बढ़ें। अच्छा, मुफ्ती अब्दुल्ला मिन्हाज आगे, माशाल्लाह वो कंट्रोल करेंगे। ठीक है जी भाई। तो मेरा सिर्फ एक मतलब डाउट चल रहा था काफी दिनों से, जी मैं सुन रहा था काफी लोगों के, उनको भी सुन रहा था जो मैंने आपके अगेंस्ट में बात करते हैं, एक्स मुस्लिम वगैरह, जी आपको भी सुन रहा था। तो एक लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आया, शायद आप डाउट दूर करें, कि मोहम्मद साहब जो हैं वो सब जगह सभी लोग बोलते हैं कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और उन्होंने इतनी इतनी बढ़िया कुरान लिख के हमको दी, तो हम ये लॉजिकली तो तौर पे ये क्यों ना माने कि निश्चित रूप से मोहम्मद साहब जो थे वो पढ़ना लिखना जरूर जानते थे, क्योंकि इतनी इतनी अच्छी जो कुरान है, आपने जो बताया कि बहुत बढ़िया कुरान है, तो वो मतलब कोई अनपढ़ आदमी या बिना पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं लिख सकता, और अगर बिना पढ़ा लिखा आदमी लिख सकता है या वो बोल सकता है, या उनको जो वही आती थी उसके अनुसार वो किसी अपने साहबा को बोलते थे कि ये लिख दीजिए, तो ये जरूरी नहीं कि जो वो बोलते थे वो साहबा लोग लिखते थे, और अगर वो लिखते थे तो वो पढ़ ही नहीं पाते थे कि उनने लिखा क्या, तो जब वो ये माने जांच भी नहीं कर पाते थे कि लिखा क्या है इसमें, जो हमने बोला था वही लिखा है कि नहीं लिखा, ठीक है ना, कोई और मान लो वो रीचेक करते थे तो वो तो पढ़े लिखे थे जो लिख रहे थे, तो वो तो उनको चलें, अब बोल मैं इसका सकते जवाब थे। दे देता हूं वकील साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी एक मिनट की बात हो रहा है कि अगर मान लीजिए वो रीचेक करते थे कि हाँ भाई मैंने जो बोला वो आपने लिख लिया, तो अगर मान लीजिए उनको मालूम है कि मैंने यहाँ यहाँ गलत लिखा है, जहाँ जहाँ मोहम्मद साहब ने बोला वहाँ वहाँ मैंने गलत लिखा है, तो वो चूंकि इंटेलिजेंट थे पढ़े लिखे थे तो वो बोल सकते थे, उनको याद रहता था कि हाँ भाई मैंने यहाँ यहाँ उस वाली आयत में ये गलत गलत बोला था, ये मोहम्मद साहब जब भी रिचेक करेंगे तो ये चीज मेरे को बोलना है, तो उन्होंने वो रिकरेक्ट करके मोहम्मद साहब को सुना दिया,
तो इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालिए कि बिना पढ़े लिखे आदमी थे तो कुरान कैसे मैंने उन्होंने रीचेक किया, और जो पढ़े लिखे थे उनका क्या मैंने उसका महजर हुआ, क्योंकि कुछ कुरान की आयतें ऐसी हैं कि जो शायद मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी हैं, वो जो उनके लिखने वाले थे वो उन्होंने अपने मन से बना के डाली हैं। ठीक, मेरा ऐसा डाउट है। सही है आपका आगिया सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं इसका जवाब देने ही वाला था कि मैंने देखा सही मुस्लिम साहब जंप करके आए हैं, तो सही मुस्लिम साहब अगर आपको इसका जवाब देना है तो प्लीज गो अहेड। जी डेफिनेटली, आप शॉर्ट में एक कर दें, उसके बाद फिर मैं इसको टैकल करता हूं। देखें वकील साहब, अनलेटर्ड और अनएजुकेटेड दोनों में बड़ा फर्क है। ठीक है, अनलेटर्ड का मतलब अनएजुकेटेड नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर मैं चाइना जाऊं तो चाइना के एतबार से या चाइनीज लैंग्वेज के एतबार से मैं अनलेटर्ड हूं, जो कुछ वहां लिखा हुआ है मुझे उसका 0.1% भी नहीं आता, कुछ नहीं आता, यानी एक मात्रा भी नहीं आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अनएजुकेटेड हूं। ठीक है, जमीन आसमान का फर्क है दोनों चीजों में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो लफ्ज कुरान ने इस्तेमाल किया है वो है उम्मी, और उम्मी का मतलब होता है जो उसके माना बयान किए जाते हैं वो है अनलेटर्ड, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिखना या उस जो लिखा हुआ है उसकी पहचान नहीं थी, लेकिन वो एजुकेटेड थे, वो साथ यानी आलिम थे, और बल्कि सिर्फ आलिम ही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि उतीतु इल्मल अव्वलीन वल आखिरीन, कि मुझे अगले और पिछलों का इल्म दिया गया, और साथ में ये भी फरमाते हैं कि मुझे मुअल्लिम यानी टीचर बनाकर भेजा गया, तो टीचर जो है वो अनएजुकेटेड तो होगा नहीं। तो पॉइंट नंबर वन, ये पहली चीज है। दूसरी चीज, आपने एक पॉसिबिलिटी की जिक्र किया, बल्कि उस पॉसिबिलिटी को जिक्र करते हुए आपने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिख कर दिया, कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिख कर नहीं दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखने वाले कोई एक नहीं थे बल्कि 60 के करीब एस्क्राइब्स थे, यानी जो लिखने वाले थे वो 60 के करीब थे। अच्छा, और होता यह था कि जब कोई आयत आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते थे किसी उन 60 में से किसी को और कहते थे इसको लिखो, वो बंदा लिखता था और उसके बाद पढ़कर सुनाता था, और उसके बाद फिर वो आयत लोगों को याद करा दी जाती थी, वो जो लिखा हुआ है वो जिस बंदे ने लिखा है उसी के पास रहता था, या अगर कोई आदमी ख्वाहिश जाहिर करता था कि जी मुझे भी ये लिखा हुआ चाहिए तो उसको उसकी कॉपी करके दे दी जाती थी कि भाई तुम भी लिख लो इसी में से। अब ये मास टीचिंग हो गई कि क्लास में मसलन अगर 100 लोग हैं 200 लोग हैं सबको वो जो नाजिल हुई है वही वो सिखा दी गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ ये कि उसको वही सिखाते थे बल्कि उनसे सुनते भी थे, नमाजें होती थी मदीने के अंदर 9 मस्जिदें थी, सारे लोगों को आयत पता चल जाती थी कि आयत नाजिल हुई और सब लोग याद कर लेते थे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो आदमी के जो कुरान की वो आयत लिख रहा है वो उसके अंदर कोई डंडी मार दे, अपनी तरफ से कोई लफ्ज का इजाफा कर दे या कोई लफ्ज कम कर दे, और उसकी वजह यह है कि सिर्फ उसी के ऊपर रिलाय नहीं किया जा रहा बल्कि आप सल्लम पूरी कम्युनिटी को सिखा रहे हैं और वो याद कर रहे हैं और वो आप सल्लम को सुना रहे हैं, तो कोई तो फिर उसी इस तरीके से तो उस आदमी का झूठ एक मिनट में पकड़ा जाएगा। नहीं लेकिन, लेकिन कई आयतें ऐसी हैं जो सिर्फ अकेले में आई हैं, जो सब उनका उनके मतलब एक बंदा उनके साथ में बैठा है सिर्फ उनके ही सामने आई हैं। कई आयतें ऐसी हैं जो आयशा जी के सामने आई हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आयत नाजिल होना किसी के सामने का मतलब ये नहीं है कि जिसके सामने नाजिल हुई वो लिखेगा भी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा वो आप सल्लम के लिए कुरान नहीं लिखती थी, आयशा का नाम नहीं था। अब मान लीजिए घर में आप सल्लम मौजूद हैं, कोई आयत नाजिल हुई तो हजरत आयशा को नहीं कहते थे कि तुम लिखो, आयत तो नाजिल हो गई। अब वो जो लिखने वाले हैं मान लीजिए रात को ही, तो सुबह को वो बताएंगे ना लोगों को कि भाई आयत नाजिल हुई इसको लिखो, और उसके बाद पूरी कम्युनिटी को सिखाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम सिर्फ आयत रिसीव करके कहीं लिखवा के उसको शेल्फ के ऊपर रखवा देना नहीं था, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो ड्यूटीज कुरान ने खुद बयान की है वो ये की है कि युअल्लिमुल किताब वल हिकमता, कि वो नबी के जो किताब की और हिकमत की यानी विजडम की तालीम दे। किताब से मुराद क्या है? कुरान, जो कुरान की तालीम दे। तो कुरान नाजिल होके कुरान सिखाना भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था, और सिर्फ सिखाना ही नहीं तालीम देना नहीं बल्कि कुरान की तिलावत करना। वो यतलू अलैहिम, ये लफ्ज भी मौजूद है कि वो कुरान की तिलावत करते थे लोगों के सामने। तो मान लीजिए अगर किसी एक सहाबी ने गलती से
या मैं कहता हूँ हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के उसने जानबूझकर कोई लफ्ज आगे पीछे कर भी दिया, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कुरान की तिलावत कर रहे हैं और सोयो लोग पीछे सुन रहे हैं, तो वो तो फौरन पकड़ लेंगे कि इस आदमी ने गलत लिखा है। नहीं, लेकिन लेकिन जो जो आयतें मतलब अकेले में आई हैं उनका क्या, वो जो 100 लोगों ने सुनी थी उनका तो चलो मानता हूँ मैं, लेकिन जो आयतें अकेले में आई हैं और उनको उनको अकेले में लिखवाया, अकेले में आयत जो रिसीव होती है ना, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 लोगों के दरमियान मौजूद हो, आयत जो रिसीव होगी उसका पता सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही चलेगा, क्योंकि वही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आ रही है। अब उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे, वो 100 लोगों को बताएंगे, 1,000 लोगों को बताएंगे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। आप ये नहीं कह सकते कि उसमें किसी आदमी ने कोई तब्दीली कर दी होगी, वो तब्दीली पॉसिबल नहीं है, जो मैंने पूरा प्रोसीजर बताया। जी भाई, सही मुस्लिम साहब, ओवर टू यू। जी जी जी, ठीक है, तो मैं एक छोटी सी बात रखता हूँ, हो सकता है इनको समझ में आ जाए। नहीं, मुझे मुझे ये डाउट है, वो पढ़े लिखे थे साहब, बहुत पढ़े लिखे थे, जीनियस आदमी थे, और मैंने पीएचडी लेवल से भी ज्यादा थे, हमारा तो कहना तो ये है जी, क्योंकि इतनी बड़ी इतनी अच्छी किताब और इतनी बड़ी किताब वो बिना पढ़े लिखे तो आदमी ना तो चेक रीचेक कर सकता है ना चेक कर सकता है ना इसको ये मेरा मतलब थॉट है। ठीक है, चले अब सही मुस्लिम अपनी बात रखते हैं। हाँ बताइए, आप ये बोल रहे हैं कि वो पीएचडी लेवल थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे हिस्ट्री में बता दीजिए कि कहीं ऐसा आपको पता है कि उस टाइम पर कोई, अरे उदाहरण दे रहा हूँ यार, उस समय ना यूनिवर्सिटी थी ना कुछ था, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज का जो पीएचडी लेवल का जो व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है, उससे भी ज्यादा समझदार व्यक्ति वो थे और वो लिखना पढ़ना भी जानते होंगे, होंगे शायद आपके जो लिखने वाले हैं उन्होंने गलत लिख दिया हो कि वो पढ़ना लिखना ना जानते हो, मेरा थॉट ये है जी, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ जी। सही मुस्लिम साहब, मुख्तसर अपनी बात कर लीजिए जी, अगर ये मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। गो अहेड, एक सेकंड, एक चीज और बोल दूं फिर आप बोल देना, क्योंकि एक जगह मैंने मतलब ये सुना है कि एक जगह पहाड़ के पास में जिब्राइल साहब आए थे और जिब्राइल साहब से उनकी बातचीत हो रही थी, तो उस आयत में उन्होंने लिखा था कि जिब्राइल साहब जब आए तो मैंने देखा और वो मेरे सामने थे और उनके 600 पंख थे, एक आयत है शायद, आयत है हदीस है जो, क्योंकि अगर उन्होंने माने वो बोला है, नंबर बोला है कि 600 पंख थे, इसका मतलब उन्होंने गिना था। ठीक, सही है, क्योंकि उनको गिनती आती थी। ये दूसरा सवाल है, अब सही मुस्लिम साहब जवाब देंगे जी, जो हाँ जी, आपको जी, जी, जी। ठीक है, अब आप बीच में ना इंटरफेयर करें, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लो। तो आपने खुद तो ये मान लिया, कि उस टाइम को यूनिवर्सिटी को ऐसा इदारा तो था नहीं वहां, नहीं नहीं थी। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये है कि हिस्ट्री में कहीं हमें मिलता नहीं है कि कोई उनका टीचर रहा हो, कहीं हिस्ट्री में कुछ ऐसा नहीं मिला। ठीक है, अब बात ये आ गई कि नबी अलैहिस्सलाम को इतनी हिकमत और ये कहाँ से आई, तो पहली बात तो ये कि जो नबी होता है उसके अंदर हिकमत और ये सारी चीजें उसके अंदर इंस्टॉल्ड होती है, और उसकी जो ईमानदारी और उसका अखलाक वो सब आम इंसान से ऊपर होता है, ये चीज तो एस्टैब्लिश्ड है। सवाल अभी आपने ये किया कि मैं ये समझता हूँ आपके जो वर्ड से कि वो इतने समझदार इंसान थे और ये यूनिवर्सिटी लेवल की जो बातें उसकी कुरान में लिखी हैं ये उनकी दी हुई हैं, ये ईश्वर की तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से नहीं है, आपका कहना है करेक्ट? ये नहीं, 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 गलत 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 है। मैं कह रहा हूँ ये ईश्वर की तरफ से है, अल्लाह की तरफ से हो सकती है, लेकिन उन किसी दूसरे ने भी लिखी हो सकती है, उनका कोई पीए होगा, वो उनका उसने लिखा हो सकता है। मैं इसी बात का जवाब, लेकिन मैं ये नहीं पचा पा रहा हूँ कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, क्योंकि वो गारंटी से रीचेक करते थे, एक एक आयत को सुनते थे। भाई बस कर दें, जवाब देने लगे जी जी, बस कर दें वकील साहब, ये आपका कोर्ट नहीं है जी। सही मुस्लिम, अभी आप डाइजेस्ट भी करेंगे इस बात को, सब हो जाएगा। देखिए ऐसा है कि जब आप कुरान को स्टडी करते हैं, कुरान में कितनी सूरतें हैं आप पता है आपको? 114 है ना? अच्छा, 114 जो आपकी बात ये है कि कुछ आयतें इसमें मिली हुई हैं, कुछ अल्लाह की तरफ से हैं, कुछ इंसान की तरफ से, आपका कहना ये है? नहीं, इसको नहीं, चेक करने का नहीं, नहीं यार, ये तो कह रहे हैं आप, और क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, आप सुनो तो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि 100% कुरान आपके अल्लाह जी ने उनको सुनाया और 100% कुरान मोहम्मद साहब ने सुना और अपने पीए से लिखवाया और उन्होंने रीचेक किया, मेरा कहना ये है। तो इसमें एतराज क्या है?
उसमें एतराज ये है कि आपकी कुरान में ये क्यों लिखा कि मोहम्मद साहब बिना पढ़े लिखे थे, हमें इस पे एतराज है। वो पढ़े लिखे थे, उनको लिखना चाहिए था कि नहीं हमारे नबी जो थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, वो चीज उनको इंडोर्स करना थी। एक मिनट, सपोज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वही सुनी किसी भी तरीके से उनको रिसीव हुई और कुरान में ये लिखा है, शायद आपने पढ़ा हो कि कुरान उनके दिल पर उतरता था, ये पढ़ा है आपने उस कुरान में, इसका मतलब ये है कि कुरान उनको उनके अंदर इंस्टॉल होता था, वो मेमोराइज नहीं करते थे कुरान को, समझ गए आप। और जैसे ही वो पढ़ने को होते थे वो हार्ड डिस्क जो उनके हार्ट में लगी हुई थी वहां से कुरान जारी होता था, ठीक है। इसकी दलील कुरान के अंदर है, बहुत सारी आयतें दे सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा, अब बात ये है कि जब मेरे जब उनके हार्ट के अंदर कुरान इंस्टॉल है और वो जब बोल रहे हैं और सामने वाला नोट कर रहा है, तो इससे ये बात साबित कैसे होगी कि वो पढ़े लिखे थे या नहीं थे? नहीं नहीं, मैं कहा कह रहा हूँ जो पढ़े, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे थे। गलत सिमट में जा रही है, सही मुस्लिम साहब देखें, सॉरी फॉर मुफ्ती साहब पहुंच समझ गए। जी जी जी, वकील साहब ये नहीं कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो ये कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे थे, लेकिन आप जो उनको अनलेटर्ड कहते हैं वो दुरुस्त नहीं कहते, वो गलत कहते हैं। ये वकील साहब का ऑब्जेक्शन है। यस यस, मैंने जो बात कही है वो ये कही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अनलेटर्ड होना आपके नबूवत की दलील है, और अनलेटर्ड होने से ये साबित नहीं होता कि कुरान में कोई कमी बेशी मुमकिन थी, महज इसलिए कि वो अनलेटर्ड थे। क्यों? इसलिए कि जो चीज लिखवाई जा रही है वो सिर्फ लिखवा के शेल्फ में नहीं रखवाई जा रही है, बल्कि वो सुनी भी जा रही है, और सिर्फ एक जगह पढ़ी भी जा रही होगी, जो दूसरे वो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं और वो आप सल्लम को सुना रहे हैं, और एक आदमी नहीं सुना रहा। भाई गलती एक आदमी करेगा ना, एक आदमी नहीं कर रहा, वहां 40-50 लोग तो लिखने वाले हैं और याद करने वाले हजारों की तादाद में हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर मान लीजिए वो आयत मल्टीपल टाइम सुनाई जा रही है, पढ़ी जा रही है, तो जिस एक आदमी ने अगर मान ले जानबूझकर कोई लफ्ज कमी या ज्यादा कर दिया, तो वो गलती तो एक दिन में दो दिन के अंदर बहुत सामने आ जाएगी, बिल्कुल वो कभी सामने नहीं आएगी कुरान में, ये पॉसिबल नहीं जी। तो यही मैं कह रहा हूँ कि आपका जो कहना है ना अनलेटर्ड होने का मतलब ये है कि कुरान में कमी बेशी हुई है, ये साबित ये पॉसिबल नहीं है, जो मैंने पूरा प्रोसीजर ये समझाई दे चुका हूँ। मैं कमी बेशी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपके मोहम्मद साहब जो हैं वो पढ़े लिखे थे, उनको गिनती भी आती थी, क्यों नहीं गिनती भी आती थी, उन्होंने छिपा करके गिनती भी गिनी थी, उनके फल भी थे, और जहाँ 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 पे भी गिनतियों का लफ्ज आया, जहाँ उन्होंने पर्सनल बयान किए हैं, वहाँ जहाँ जहाँ गिनतियों की बात आई है वहाँ उन्होंने बाकायदा गिनती भी की। आपकी बात आ गई, तो मेरा कहना यह है कि ये कुरान में मेरे गवाह है आपका वकील साहब, अनपढ़ है। चलें सही है, बेहतर है। लास्ट कमेंट आ रहा है बसारा साहब की तरफ से। जी फिर वकील साहब, मुझे नहीं पता आप कुरान को इलहामी किताब मानते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से उतरी भी मानते हैं, लेकिन कुरान खुद इस बात की दलील देता है, सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तखतुहु बियमीन, कि आपने अपने सीधे हाथ से कभी कुछ नहीं लिखा, और अगर आप लिखते तो फिर ये लोग आपको वो क्या है मुफ्ती साहब आयत लर्ताबल तो यही ये जो आयत मैंने सामने कुरान की आपके सामने रखी है, तिलावत की है या पढ़ी है, उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने अपने हाथ से कुछ नहीं लिखा, अगर यानी कि कुरान कहना चाह रहा है अगर ये मामला होता तो बातें लोग शको शुबह में डाल देते आपको, या शको शुबह करते आपके ऊपर कि आप तो पीएचडी लेवल के आदमी हैं, आपको तो सब कुछ पढ़ना भी आता है लिखना भी आता है, तो ये किताब आपने खुद से घड़ी है, ये जो आर्गुमेंट आप दे रहे हैं ना इसी को कुरान खुद डिनाई कर रहा है कि ना आप सल्लम ने इससे पहले कोई किताब पढ़ी है और ना अपने हाथ से कुछ लिखा है, वरना ये लोग बातें लोग जो है वो शको शुबह जाहिर करते। चलें ठीक है, अब फिलहाल वकील साहब आपका सवाल आ गया, हमने जवाब भी दे दिया, ये कोई जरूरी नहीं है ये इस तरह की जो गुफ्तगू है वो तो चलते रहनी चाहिए, इंशाल्लाह 600 पंख हैं और माने जहां जहां नंबरिंग की बात है तो वो 600 पंखों को गिनने के लिए 600 तक की गिनती आना जरूरी है, मेरा कहना ये था। और अगर मुफ्ती साहब मैं भी एक लाइन में दे दूं आंसर। जी 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 वकील साहब। जी हाँ जी हाँ बताइए। आप जो कब से कह रहे हैं, देखिए दो चीजें होती है, एक होता है कि इल्म
इंसानों से पढ़ना एक होता है खुदा की तरफ से मिलना, दोनों में डिफरेंस है कि दोनों एक है? नहीं, अलग अलग है दोनों। तो बस जो इंसानों की तरफ से नहीं मिला उनको इल्म, ये खसूसियत है नबी की। अल्लाह जो चीज़ें उनको बताएंगे सारी चीज़ें पता चल जाती है, जिस तरह कुरान पता चल गया तो आप ये फरिश्तों के जो परों की बात कर रहे हैं इसके अलावा सारी चीज़ें पता चल गई। इंसानों से जो पढ़ा लिखा होता है ना उसकी उसको डिनाई किया जा रहा है, वो हमारे नबी ने किसी इंसानों से नहीं पढ़ा है। यानी हम ये नहीं कह रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीजों का पता नहीं हो सकता था भाई, अल्लाह अल्लाह ताला बताएगा चीजों का तो भी बता सकता है। अब अगर आप ये कहेंगे कि इंसानों से पढ़ा है तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उसको साबित करेंगे। गिनती गिनने के लिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, मेरा कहना है। बेहतर है, बेहतर है, आपकी बात आ रही है। चलिए शुक्रिया वकील साहब, चलिए इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे, वरना सर से बात खत्म नहीं होगी। चलिए चलिए भाई, इनको रवाना करते हैं।